हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है जनरल वीडियोस विद सो अमर। दोस्तों आज हम बात करने वाले आर स्मार्टफोन कैमरास गेटिंग बेटर देन DSLR। तो सबसे पहले जानते हैं DSLR होता क्या है। तो DSLR स्टैंड्स फॉर डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। तो ये कैमरा स्पेशली बनाए जाते हैं वीडियो शूटिंग के लिए और फोटोग्राफी के लिए। तो हम जानेंगे इसके डिसएडवांटेजेस, फिर जानेंगे एडवांटेजेस और मेरा कंक्लूजन और मेरा ओपिनियन इस स्टेटमेंट के बारे में, आर स्मार्टफोन कैमरास गेटिंग बेटर देन DSLR। तो सबसे पहले देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तो हमारे पास यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है, और डिसएडवांटेजेस मतलब जो कैमरा के लिए एडवांटेजेस है और स्मार्टफोन के लिए डिसएडवांटेजेस है। तो प्रोफेशनल ऑलवेज से नो टू स्मार्टफोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। तो प्रोफेशनल्स ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कैमरास होते हैं वो स्पेशली बनाए जाते हैं फोटोग्राफी के लिए और वीडियोग्राफी के लिए। वेयरएज हमारा जो स्मार्टफोन कैमरा होता है वो स्पेसिफिकली नहीं बनाया जाता है। जो स्मार्टफोन है वो स्पेसिफिकली फोटोग्राफ के लिए या फिर वीडियो शूटिंग के लिए नहीं बनाया जाता है। उसको बनाया जाता है फ़ोन करने के लिए, फिर गेम खेलने के लिए, फिर आपको उसके साथ ही कैमरा देखने को मिलता है। तो फिर बात करते हैं दूसरे डिसएडवांटेजेस की। तो वो है डेडिकेटेड कैमरास हैव वर्सेटिलिटी। तो डेडिकेटेड कैमरास जो होते हैं, जैसे कि अभी मैं ये जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो डेडिकेटेड कैमरा है। तो इस कैमरा में आप 200mm का टेलीफोटो लेंस लगा सकते हो। आपको वाइड एंगल चाहिए, आप वाइड एंगल लगा सकते हो विथ डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब जो पीछे का बैकग्राउंड है वो कितना ब्लर हो रहा है, उसको डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। तो ये जो कैमरा होते हैं उनमें डेप्थ ऑफ फील्ड ज़रूर रहता है। ये इस कैमरा में आप 200mm का जो टेलीफोटो लेंस है वो लगा सकते हो, पर आप मोबाइल पे 200mm का टेलीफोटो लेंस बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो। और आप लगाने की कोशिश भी करते हो और वो चल भी जाए तो आपको जो लोग देखेंगे आपको 200mm का इतना बड़ा लेंस लेके जो आप फोटोग्राफी कर रहे हो, वीडियोग्राफी कर रहे हो, उसको देख के लोग हंसेंगे, आपका इंसल्ट करेंगे, आपका ही इंसल्ट होगा। फिर हमारे पास कैमरास में बड़े सेंसर मिलते हैं, जो लार्ज सेंसर है जिससे आपको अच्छी डायनामिक रेंज मिलती है और एकदम क्रिस्प फोटो रहता है। आपको आपको जो नॉइस रहता है लो लाइट फोटो में वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। और जो स्मार्टफोन के जो सेंसर रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, जिसकी वजह से आपको डायनामिक रेंज थोड़ी सी हल्की सी कम देखने को मिलेगी, पर वो सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपको बहुत सारा नॉइजी फोटो दिखेगा लो लाइट पिक्चर में। फिर हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एडवांटेजेस में, जिसका मतलब कैमरास के लिए वो डिसएडवांटेजेस और मोबाइल के लिए वो एडवांटेजेस है, जो मोबाइल के फीचर है वो इसमें आपको बताऊँगा। तो एडवांटेजेस में आता है नॉट वेरी बल्की, मतलब जो कैमरा होता है वो लिटरली उसका जो वेट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है आप जल्दी से निकाल के फ़ोटो क्लिक करके जेब में वापस डाल सकते हो, पर कैमरास के साथ नहीं होता है। अगर आप दिन भर कैमरा हाथ में लेके घूमते हो तो फिर आपका हाथ दर्द होगा, या फिर आपके साथ अगर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो कैमरा नीचे गिर के उसका लेंस टूट सकता है। लेंस टूट गया मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही टूट गया। तो हमारे पास दूसरा एडवांटेज है बैटरी। तो मेरे इस कैमरा में लगती है 1100mAh की बैटरी, और जो मोबाइल स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें बैटरी 1100mAh के तो ऊपर ज़रूर होगी। जैसे 6000mAh की बैटरी है, फिर जो 4500mAh की बैटरीज आती है वो भी बहुत सारे बहुत अच्छी बैटरी आती है, और उससे आपके आपका जो वीडियो शूटिंग का टाइम रहता है वो आपको ज़्यादा मिलता है। फिर हम बात करते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज में हमारे कैमरा में सिर्फ 32GB या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जो SD कार्ड है वो बैठता है, पर मोबाइल में जो आपको स्टोरेज मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि 128GB का स्टोरेज आपको मिलता है, आप उसको और बढ़ा सकते हो SD कार्ड लगा के, माइक्रो SD कार्ड लगा के। तो हमारे पास चौथा जो पॉइंट है, जो एडवांटेज है, वो है फ्लिकर नाम की वेबसाइट से। तो फ्लिकर ये बोलता है कि जो कैमरा ब्रांड रहता है वो सबसे ज़्यादा बिकता है आईफोन का। आईफोन लोग कैमरा के लिए खरीदते हैं, जो कैमरा रहता है उसको देखकर ही बहुत सारे जो लोग हैं वो आईफोन खरीदते हैं।
तो ये फ्लिकर ने कहा है, आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो फ्लिकर क्या है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो फोटोज़ है वो दिखाई देते हैं। और उन्होंने ये नोटिस किया कि ज़्यादातर फ़ोटो उनके आईफोन से लिए गए हैं, या फिर जो ज़्यादा जो फ़ोटो है वो DSLR छोड़ के या फिर मिररलेस कैमरा छोड़ के या फिर पॉइंट एंड शूट छोड़ के सारे मोबाइल से ही लिए गए हैं मोस्ट ऑफ द जो फोटोज़ हैं। तो कंक्लूजन की ओर बढ़ते, तो कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फ्यूचर जो इनकमिंग फ्यूचर है उसमें आई सपोज कि जो मोबाइल स्मार्टफोन्स जो स्मार्टफोन कैमराज है वो और बेटर हो गए और DSLRs को ज़रूर कम्पीट करेंगे। आप भी से जो मोबाइल्स आ रहे हैं जैसे कि iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, फिर Huawei Mate 30 जो है, वो उनके जो कैमराज है वो बहुत बढ़िया है। तो मेरा ओपिनियन ऐसा है कि स्मार्टफोन कैमरा ज़रूर आपका जो DSLR है, जो भी पॉइंट एंड शूट कैमरा मिररलेस कैमरा है, उसको रिप्लेस ज़रूर करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपकी ओपिनियन भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी डाल देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।